आज मैं आपको घर पे पनीर बनाना बताऊंगी। बिल्कुल हलवाई जैसी ट्रिक में आपको पनीर बनाना बताऊंगी। पनीर अपन घर में कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है और पनीर से कई प्रकार की सब्जियां भी बनाई जाती है और मिठाई भी बनाई जाती है। आपको जो अच्छा लगे वो चीज बनाकर खा सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी पनीर बनाना घर पे आज मैं बताऊंगी। पनीर बनाने के लिए भैंस का फुल फैट दूध लेना है। दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फुल फैट दूध लेना है। बहुत ही अच्छा पनीर बनकर तैयार होगा। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल क्रीम 2 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले मैं दूध को गर्म कर लेती हूँ। दूध को उबाल आने तक गर्म करना है। दूध को फाड़ने के लिए मैं आज नींबू का यूज करूंगी, तो मैंने यहाँ पे 4 नींबू लिए हैं। आप नींबू की जगह दही भी यूज कर सकते हो, सेट्रिक अम्ल भी यूज कर सकते हो और विनेगर भी कर सकते हो। जो आपकी इच्छा हो वो चीज ले सकते हो। मैं आज नींबू लेऊंगी, तो पहले मैं इस नींबू का रस निकाल लेती हूँ। मैंने नींबू का रस निकाल लिया है। अब रस के बराबर का मैं इसके अंदर गुनगुना सा पानी ऐड कर देती हूँ। रस के बराबर मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। ये लीजिए, हमारे नींबू का पानी बनकर बिल्कुल रेडी है। दूध के उबाल आ गया है। अब मैं गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देती हूँ। पांच मिनट हो गई है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। पतीले को मैंने यहाँ पे जाली स्टैंड पे रख दिया है। मैंने ये नींबू और पानी लिया है, ये इसके अंदर डालना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना है और डायरेक्ट दूध में भी नहीं डालना है। इस तरह से इसके ऊपर डालना है और फिर इसे हिलाते जाना है और इसे चम्मच को एक ही दिशा में हिलाना है, दोनों दिशा में मत चलाना, नहीं तो पनीर खराब हो जाएगा। ये देखिए, हमारा दूध फटने लग गया है। ये देखिए, पहले से थोड़ा ज्यादा फट गया है। इस तरह से ये धीरे धीरे फटकर तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हो, छेना एक तरफ हो गया और पानी एक तरफ हो गया। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे चम्मच को चलाना है और एक ही दिशा में चलाते जाना है। ये लीजिए, हमारा छेना बन के तैयार हो गया। दिख रहा है आपको भी, पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया। अब इसे 2 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। 2 मिनट हो गई है, कितना सुंदर छेना बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी परात ली है और इसके अंदर मैं ये जाली स्टैंड रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं ये सूती कपड़ा डाल देती हूँ। अब धीरे धीरे करके ये इसके अंदर डालना है और पनीर को छानने के लिए सफेद कपड़ा ही यूज करना है, कलरफुल मत करना, नहीं तो पनीर के ऊपर कलर लग जाएगा किसी भी कपड़े का। अभी इस तरह से कपड़े को एक जगह इकट्ठा करना है। इस तरह से पोटली की तरह पकड़ना है और ये गर्म पानी है, इसमें इस तरह डबोते जाना है ताकि ये पनीर अच्छे से सेट हो जाए। ऐसे करने से कपड़े में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और एक जगह सेट हो जाएगा।
अब मैं पानी हटा देती हूँ। मैंने पूरा पानी हटा दिया है। अब मैं इसे खोलकर देख लेती हूँ। ये लीजिए, हमारा छेना छेना अलग हो गया है। अभी तक ये पनीर नहीं बना है, छेना ही है। अब मैं इसके अंदर फ्रीज का ठंडा पानी डाल देती हूँ। अब इसे थोड़ा सा धो लेती हूँ ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए। इस तरह से थोड़ा सा पानी निकाल दीजिए, ज्यादा नहीं निचोड़ना है, बस हल्का सा पानी निकल जाए। और इसको पतला भी नहीं करना है, इतना ही मोटा रखना है। इसको जमाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये जाली लगा देती हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे बाउल में चला जाए। अब इसके ऊपर ये पनीर रखना है। ज्यादा पतला नहीं करना है, इतना ही मोटा रखना है। अब मैं इसके ऊपर ये रख देती हूँ ताकि ये प्लेन रहे बिल्कुल। अब इसके ऊपर वजन रखना है, तो 2 लीटर दूध लिया है तो कम से कम 2 किलो वेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कुकर रख देती हूँ, मैंने पानी से भर दिया है इसे। अब इसे सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे रख देती हूँ ताकि पनीर अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं पनीर को चेक कर लेती हूँ कैसा बना है। आप इसकी जगह कोई भी वजन रख सकते हो। मेरे पास ये सिलवट्टा है, ये भी आप रख सकते हो ऐसा अगर आपके पास है तो। अब मैं आपको ये कपड़ा अलग करके दिखाती हूँ कैसा पनीर बना है। ये देखिए, बिल्कुल बाहर जैसा पनीर बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे अलग निकाल लेती हूँ और पानी भी दिखा देती हूँ आपको कितना निकला है। ये देखिए, इतना पानी और आ गया है वजन रखने के बाद। ये लीजिए, हमारा पनीर बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कैसा पनीर बना है। काटने से ही पता चलेगा अंदर से कितना सॉफ्ट है। इस तरह से चाकू से मकट लगा देती हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बाहर जैसा पनीर, कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, दूसरी स्लाइस और दिखा देती हूँ मैं आपको, कितना सुंदर पनीर बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल बाहर जैसा, बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। मैंने पनीर को काट कर तो आपको दिखा दिया है, अब मैं आपको एक हलवाई जैसी ट्रिक और बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल, इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बिल्कुल फ्रीज का चिल्ड पानी। अब ये पनीर उठाकर इस पानी के अंदर डालना है, इसे आधे घंटे तक इस पानी में ही रहने देना है। पानी में डालने से पनीर का वजन बढ़ जाएगा और पनीर अच्छे से पानी पी लेगा। अगर आपको पनीर को स्टोर करके रखना है 1-2 दिन के लिए, तो आप ऐसे ही फ्रिज के पानी में रखना है, नहीं तो ये बाहर खराब हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि पनीर घर पे बाहर जैसा नहीं बनता है, मैंने बनाकर आपको दिखा दिया है। ये देखिए, बिल्कुल बाहर जैसा जमकर तैयार हुआ है। आप इस ट्रिक से बनाइए, आपका पनीर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत ही सॉफ्ट पनीर बन के तैयार होगा। हलवाई लोग इसी ट्रिक से पनीर बनाकर तैयार करते हैं, तब ही उनका ऐसा पनीर बन के तैयार होता है। पनीर बनाने के लिए भैंस का फुल फैट दूध लेना है। 1 लीटर दूध में 200 ग्राम पनीर निकलता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया था, तो मेरा 400 ग्राम पनीर निकल के तैयार हुआ है।